हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी आई है। मैं इस वीडियो में उसी के बारे में अपडेट देने वाला हूं। सो यस फ्रेशर्स, इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आप लोग को सैलरी 65,000 पर मंथ मिल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो, तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 63 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को हर एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे आप लोग को सैलरी 30,000 से लेके 1,10,000 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 65,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग असम के डोमिसाइल हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग दूसरे स्टेट में से बिलोंग करते हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग असम के किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो इसमें अप्लाई करने से पहले फर्स्ट आप लोग को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद ही आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को बंगाली, आसामी या तो बोडो कोई भी एक लैंग्वेज पे नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 21 इयर्स लेके 38 इयर्स का रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 5 दिसंबर 2022 से, और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 4 जनवरी 2023, और एप्लीकेशन फी सबमिशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है 6 जनवरी 2023। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 297 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 197 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। बीपीएल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 47 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी फोन नंबर या तो वेबसाइट में जाके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन यानी कि बीवीटेक में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद फर्स्ट होगा आप लोग को रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन, आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।